एजुकेशन 220 में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और उसमें कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, किसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड मेरा मेनली डेवलप बाय कार्ल लैंडस्टीन कार्ल लैंडस्टीन इन 1990 में ये ब्लड ग्रुप डेवलप किया गया था। द मेम्ब्रेन ऑफ RBC कंटेंट प्रोटीन कॉल एंटीजन। जो RBC एक प्रोटीन कंटेंट करता है जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं, और इस एंटीजेंस के ही मदद से हम लोग ब्लड ग्रुप जानते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप बी होता है और कौन सा ए बी और ओ होता है। तो ये बिकॉज ऑफ एंटीजेंस और बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज होता है। सो फार 300 एंटीजेंस को आज तक आइडेंटिफाई किया गया है। मेनली टू एंटीजेंस आर इम्पॉर्टेंट, जो जिसमें कि दो एंटीजन इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक ए फैक्टर होता है और एक बी फैक्टर होता है। तो ब्लड ग्रुप ओ, हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, जो ब्लड सबको दे सकता है। वेयर एज ब्लड ग्रुप ए बी इज़ ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ब्लड ग्रुप ए में ए फैक्टर ऑफ एंटीजन पाया जाता है, और एंटीजन हम लोग जानते हैं कि RBC में होता है, RBC में। और एंटीबॉडी में एंटी बी फैक्टर पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में बी फैक्टर पाया जाता है एंटीजन का, और ये एंटी ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी एंटीजन पाया जाता है, और एंटीबॉडी में कोई एंटीबॉडी ए बी में पाया ही नहीं जाता है, नाइदर एंटीबॉडी इज फाउंड इन ए बी। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन ऐसे ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, कौन ऐसे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कौन ऐसे ब्लड ग्रुप में एंटीजन फैक्टर ए पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी होता है। यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए किसको किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए किसको किसको डोनेट कर सकता है। तो ये जनरल है, ब्लड ग्रुप ए तो ए को दे ही सकता है, और ए से रिसीव कर सकता है, ओ से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि ओ मेरा यूनिवर्सल डोनर होता है। डोनेट किसको 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 कर सकता है? ए को तो डोनेट कर सकता है, और ए बी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए बी मेरा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। बी में बी ओ से ये रिसीव कर सकता है, और डोनेट बी और ए बी को दे सकता है। ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। और ये दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी को दे सकता है। ओ वनली रिसीव फ्रॉम ओ सिर्फ ओ ही से रिसीव कर सकता है, और दे सबको सकता है। ब्लड क्लोटिंग के बारे में जानते हैं। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिलिन फॉर्म्स मेस ओवर द वुंड एंड विद इन ए फ्यू मिनट्स क्लॉट बिकम फर्म। जो हमारा बॉडी कट जाता है, तो कटने के बाद देखते होंगे हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाता है, वो क्लॉट करके उसके ब्लड को रोक देता है, ब्लड को और भी बहने से रोकता है। तो उसमें क्या चीज़ का सेक्रेशन होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रियोजेन उसको जमा देता है, ब्लड को जमा देता है। थोड़ी देर में, फ्यू मिनट्स में कटने के बाद फिब्रियोजेन अपना काम करना शुरू कर देता है, वो ब्लड को जमा देता है। कैल्शियम एंड प्रोथ्रोम्बिन बोथ आर प्रेजेंट बट दे डू नॉट रिएक्ट, जिसमें कि कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होते हैं बट ये रिएक्ट नहीं करते हैं। वेन इंजर्ड इज काउज, जब हम लोग को चोट लगता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सेक्रेटेड बाय इंजर्ड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक टाइप का सेक्रेशन होता है हमारे बॉडी में, जो कि इंजर्ड प्लेटलेट्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जिससे कि ब्लड हमारा क्लॉट कर जाता है।